गुड इवनिंग दोस्तों, मैं गिरधारी आप सभी का गुरु मंत्र पे स्वागत करता हूँ। आज जीके लुशन सीरीज का दूसरा दिन है। आज हम कुछ और नए क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए देखते हैं हमारे पास आज क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उस पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, द सनराइज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्टली, भारत में वह कौन सा ऐसा राज्य है जहां सूरज सर्वप्रथम उगता है? गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। तो हमारा जो राइट आंसर है यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहां भारत में सर्वप्रथम सूरज निकलता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे देर में भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां सबसे लेट सूरज उगता है, तो वह राज्य है गुजरात। और कभी ये भी पूछ लेता है कि सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है और सबसे लास्ट में सूर्यास्त कहाँ होता है। तो सूर्य सबसे लास्ट में जो सूर्यास्त होता है, जहाँ सबसे लेट सूर्य उदय होता है वहीं सबसे लास्ट सूर्यास्त होता है, और जहाँ सबसे पहले सनराइज होती है वहीं सबसे लास्ट में सबसे पहले सनसेट होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगती है और सबसे पहले ही सूर्य ओझल हो जाती है, और गुजरात में सबसे लास्ट में सूरज उगता है और सबसे आखिरी में सूरज डूबता है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। गुजरात का राजधानी अगर देखा जाए तो गुजरात की राजधानी जो है ये गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ के जो सीएम है यह है विजय रूपानी, और जो यहाँ के गवर्नर है वह है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। राजस्थान की कैपिटल जो है वो जयपुर। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और पी बी आचार्य जो है यहाँ के गवर्नर हैं। आसाम का राजधानी दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बनंद सोनेवाल, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इंसुलिन इज यूज टू क्योर विच डिजीज। इंसुलिन हम किस बीमारी में इस्तेमाल करते हैं? तो इंसुलिन एक इंजेक्शन है जिसका हम यूज जो है डायबिटीज के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं इंसुलिन का यूज? हम डायबिटीज के लिए करते हैं। डायबिटीज में होता क्या है कि पेशेंट का शुगर लेवल हाई हो जाता है, तो इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करके, जो इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन पा रही है जितनी रिक्वायरमेंट है, उसको मैनेज करने के लिए, इंसुलिन को मैनेज करने के लिए हम बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, और वह जो है हमारे बॉडी के अंदर का शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ल्यूकोमीनिया क्या है? ल्यूकोमीनिया एक ब्लड कैंसर है। ल्यूकोमीनिया ब्लड कैंसर है। ल्यूकोमीनिया ब्लड कैंसर है। हाल ही में ऋषि कपूर जी का जो निधन हुआ है वह उनका ब्लड कैंसर ही थी, ल्यूकोमीनिया के कारण ही ऋषि कपूर जी की मृत्यु हुई है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि ये बिहू फेस्टिवल जो है किस राज्य का फेमस फेस्टिवल है? तो बिहू जो है हमारा आसाम का फेमस फेस्टिवल है। आसाम की राजधानी अभी आपने पढ़ा दिसपुर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं
नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर है आरएन राय। त्रिपुरा का अगरतला, यहाँ के सीएम है बिप्लव कुमार देव। रमेश बैस जो है यहाँ के गवर्नर है। उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं चीफ मिनिस्टर। उड़ीसा की राजधानी कटक। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड में विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फाउंड इन गूजबेरी। गूजबेरी में कौन सी विटामिन पाई जाती है। गूजबेरी का मतलब क्या जानते हैं। गूजबेरी को हिंदी में हम कहते हैं आंवला को गूजबेरी कहते हैं। तो किसी भी खट्टे पदार्थ, आंवला का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो किसी भी खट्टे पदार्थ, ऐसी चीज जिसमें खट्टा हो उसमें मैक्सिमम विटामिन सी पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो है विटामिन सी पाई जाने वाली चीज क्या है, तो वो है गूजबेरी। तो गूजबेरी में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। अगली स्लाइड है इन विच कंट्री पेपर वॉज इन्वेंटेड। हम जिस पेपर पे लिखते हैं पढ़ते हैं वो पेपर जो है किस कंट्री ने सर्वप्रथम शुरुआत बनाया था। इंडिया, इजिप्ट, चाइना, जर्मनी, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने फर्स्टली पेपर बनाया था। तो चाइना वो कंट्री है जिसने सबसे पहले पेपर बनाया था। अब हम देखते हैं इंडिया की कैपिटल क्या है। दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली। करेंसी इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी इज करेंसी ऑफ इंडिया। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। करेंसी क्या है इजिप्ट की, पाउंड इज करेंसी ऑफ इजिप्ट। चाइना की कैपिटल बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है, रेनमिनबी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी कैपिटल बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी एंड करेंसी ऑफ जर्मनी इज यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा पास जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछ रहा है हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन सबके अलग अलग कमांडर होते हैं, बट इन तीनों के एक कमांडर, सुप्रीम कमांडर जो होता है वो कौन होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। तो आप जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भारत के तीनों ही सेना, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों के ही सुप्रीम कमांडर होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम फीमेल रूलर कौन थी। रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, हरकाबाई और नूरजहां। तो भारत की जो पहली फीमेल रूलर थी वो थी रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना भारत की फर्स्ट फीमेल रूलर थी। इन्होंने दिल्ली सुल्तनत पे अपना राज किया था। ये इल्तुतमिश की बेटी हैं और इन्होंने तीन सिक्के जारी किए थे। इनका पहले सिक्के में इन्होंने तीन सिक्के जारी किए थे। इनके पहले सिक्के पे न्याय की रानी,
दूसरे पे दिल्ली की महारानी और तीसरे पे इल्तुतमिश की बेटी। इन तीनों सिक्कों पे इन्होंने तीन बातें लिखवा रखी थी। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। फिश टेक्स द ब्रेथ बाय विच, मछलियां जो हैं अपनी सांसें कहां से लेती हैं? ग्रिल्स, हार्ट, ब्रेन, लीवर। तो मछलियां जो हैं अपनी गिल्स से लेती हैं। गिल्स मीन्स फेफड़ा, गल्फरा सॉरी। मछलियां अपनी सांसें जो है गिल्स से लेती हैं, जो कि गल्फरा होता है मछलियों का। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछलियों के हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, मछलियों के हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? तो मछलियों के हार्ट के दो चैम्बर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आपसे यह पूछा जाए कि ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं तो क्या बताओगे? ह्यूमन हार्ट के चार चैम्बर होते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। हु सेक्रीफाइज हिज लाइफ फर्स्टली इन 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति में किसने सर्वप्रथम अपनी जीवन बलिदान दिया था? लियाकत अली, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो आंसर होगा वो नन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि मंगल पांडे जी ने सर्वप्रथम 1857 में अपनी जीवन की आहुति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, भारत की पहली फीमेल गवर्नर किसे कहा जाता है? तो भारत की पहली फीमेल गवर्नर जो है वो है सुचित्रा, सॉरी भारत की पहली फीमेल गवर्नर जो है ये है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू पहली फीमेल गवर्नर थी, कहाँ की थी? यूपी की। उत्तर प्रदेश की पहली फीमेल गवर्नर जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। सुचित्रा कल्पलानी जो थी वो फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर थी इंडिया के भी और यूपी की भी। मीरा कुमारी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, फर्स्ट फीमेल है स्पीकर है लोकसभा के। फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर है। एनी बेसेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनी बेसेंट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। मीराबाई जो है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर हैं, और सुचित्रा कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, जो कि यूपी की महिला मुख्यमंत्री थी, और सरोजिनी नायडू फर्स्ट फीमेल गवर्नर हैं, जो कि यूपी की थी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु सेड बैक टू द वेदास, किसने यह कहा था कि वेदों की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद। तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज वास्को डी गामा केम इनटू इंडिया, वास्को डी गामा जो है वो भारत कब आए थे? तो वास्को 1398 ये आए थे कब? 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 में। ये फर्स्ट यूरोपियन हैं जो कि इंडिया पहुंचे थे समुद्री रास्ते से। वास्को डी गामा किस तरह आए थे भारत? समुद्री रास्तों से, सी के थ्रू आए थे, सी के थ्रू भारत आए थे। कब आए थे? 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1309, 1390, 1624 और 1600 कब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आई थी।
उस समय भारत पे किसका शासन था, किस राजा, कौन सी ऐसे राजा, कौन सा राजा थे जो उस समय भारत में अपना राज कर रहे थे? तो उस समय जहांगीर जो थे, मुगल काल के राजा जहांगीर, उनके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव वॉज बॉर्न इन विच प्लेस? गुरु नानक देव जी जो है उनका जन्म किस स्थान पे हुआ था? करतारपुर, पाटलिपुत्र, ननकाना साहब और लुम्बिनी। तो लोग अक्सर इसमें करतारपुर और ननकाना साहब में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों ही पाकिस्तान में है, करतारपुर भी पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ इनका जन्म नहीं हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था ये हुआ था ननकाना साहब। लुम्बिनी कहाँ पे है? लुम्बिनी नेपाल में है। ननकाना साहब कहाँ है? पाकिस्तान में। पटना, पाटलिपुत्र जो कि पटना है इंडिया में है, और करतारपुर जो है ये भी पाकिस्तान में है। ये कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है ननकाना साहब, जहाँ पे गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जो है सिख के पहले गुरु थे, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो करतारपुर में हुई थी। गुरु नानक देव की मृत्यु हुई थी करतारपुर में, और इनकी जो जन्म हुआ था वो ननकाना साहब में हुआ था। गुरु नानक देव की 2020 में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनसे 591 जयंती मनाई गई है, और गांधी जी की 151 जयंती मनाई गई है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय घाट इन दिल्ली इज एसोसिएटेड विद होम? दिल्ली में जो विजय घाट है वो किनसे, किससे संबंधित है? दिल्ली में जो विजय घाट है वो किससे संबंधित है? तो दिल्ली का जो विजय घाट है, जिस तरह से आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है इसको हम राजघाट कहते हैं, राजघाट। तो उसी प्रकार से विजय घाट जो है वो किनसे संबंधित है? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि घाट है इसको विजय घाट बोलते हैं। नेहरू जी की समाधि को किस नाम से जानते हैं? नेहरू जी की समाधि को नेहरू स्मारक, नेहरू स्मारक। और बी आर अम्बेडकर की जो है इसे क्षेत्र भूमि। आई होप आपको ये चारों बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु रोट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र एक किताब है जो किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसने लिखा था? मेगास्थनीज, वेद व्यास, स्वामी दयानंद सरस्वती और कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र जो लिखा गया था वो लिखा गया था किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य कौन थे? चाणक्य। चाणक्य को हम कौटिल्य के रूप में जानते हैं, चाणक्य। कौटिल्य के नाम जो है एक है चाणक्य, दूसरा कौटिल्य का बचपन का जो नाम था वो था क्या? विष्णुगुप्त। कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, और उन्हें चाणक्य के नाम से हम जानते हैं। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? अगर आपके पास ऑप्शन में कौटिल्य है तो कौटिल्य, चाणक्य रहे तो चाणक्य, अगर चाणक्य नहीं है तो विष्णुगुप्त है तो विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य तो अर्थशास्त्र के इन तीनों नाम ऑप्शन में दे सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफेस इन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीफेस की जो बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीफेस है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना। हम जो प्रस्तावना सुनते जानते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, तो ये जो दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ये हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने ये दिया था, कि प्रीफेस का कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, वो कौन सा देश है जिसे उगता हुआ सूरज का देश कहते हैं? जापान, इंडिया, भूटान और जर्मनी। तो जापान को हम क्या कहते हैं? उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। हमारा जो सही आंसर होगा वो जापान होगा। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है और जापान की करेंसी क्या है? येन। टोक्यो विश्व का सबसे बड़ा सिटी है, विश्व का लार्जेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड क्या है? टोक्यो लार्जेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सिटी जो है वो है टोक्यो। टोक्यो कहाँ की राजधानी है? जापान की। इंडिया की राजधानी आपको पता ही है। भूटान की राजधानी? भूटान की राजधानी थिम्पू। थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। नगल्ट्रम जो है यहाँ की करेंसी है। जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और यूरो जो है ये यहाँ की करेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज हमारा इतना ही था। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू। बाय बाय। गुड नाइट। हैव अ सेफ।